मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा अंतर्गत बूढ़ा तालाब के पास निगम खेल मैदान स्थित भेंट मुलाकात स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर भेंट मुलाकात की शुरुआत की। उन्होंने राज्य गीत अरपा पैरी के धार से कार्यक्रम की शुरुआत कर लोगों से संवाद करना शुरू किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारी योजनाएं आम जनता तक सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सबसे पहले अंतर्राज्यीय बस अड्डे में 3200 किलोमीटर का ओवरहेड टैंक समराइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन का निर्माण कराया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूँ। माधव राव सप्रे शास्त्री हिंदी माध्यम विद्यालय बुरा पारा को स्वामी आत्मा इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा आगामी सत्र को। वार्ड क्रमांक 57 में फवारा चौक के पास सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी बनाई जाएगी। महाराज पंत तालाब में पचरी निर्माण कराया जाएगा। इन स्पोर्टिंग मैदान में पीपीवी मोड में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ठीक है, रोज जगह करते हो रोज हरा रहे। सरजू बांधा नया तालाब संतान घाट में बाउंड्री वॉल व अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। बैरन बाजार पुरानी टंकी के पास महिला एवं बाल उद्यान बनाया जाएगा। विधानसभा में इस क्षेत्र में 4 उपयुक्त किस्मों पर ओपन जिम बनाया जाएगा। आदिवासी पारा से चिंगरी नाला तक नाला निर्माण कराया जाएगा। सिविल लाइन वार्ड क्रमांक 47 में विकास कार्यों में 30 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और कवर नाली पूरा अच्छा 2 करोड़ रुपए के कवर नाली के भी घोषणा करा था। ऐसे साथ साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आप सब आए, उनका बड़े हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अजय साथी मुझसे बात नहीं हो पाए, उनका मुझे मुलाकात करते हुए आवेदन भी ले लूं, आप चर्चा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।